तो फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और Q&A आ चुका है। काफ़ी टाइम हो गया था यार Q&A का बोलते बोलते, इतना टाइम हो गया था कि मैंने जस्ट अभी काफ़ी टाइम यूज़ किया पीछे, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं कितना टाइम हो चुका है Q&A का अनाउंस किए हुए। अब आ गया तो जस्ट इन्जॉय करो, नेक्स्ट Q&A देखो, बताओ कैसा लगा। मैं मिलता हूँ बाद में। यार बहुत टाइम हो गया, किया नहीं Q&A, समझ रहे हो समझ रहे हो। तो अब आई गए तो Q&A एंजॉय करो, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट में। ओह ये तो Q&A के बीच में व्लॉगिंग निकल गई। पहला क्वेश्चन एंड्रॉयड बेबी की तरफ से, क्वेश्चन तुम्हें याद दिख ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इस चैनल का फ्यूचर कंटेंट क्या होने वाला है और क्या क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो यार जैसे कि तुम्हें सबको पता है, व्लॉगिंग स्टार्ट करी मैंने ताज़ा ताज़ा, एक नया जॉनर एक्सप्लोर किया है, जॉनर नहीं जेनर। तो जॉली चैनल पर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करता रहूँ, एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ इस चैनल पर। तो अगला क्वेश्चन है कुणाल का, क्वेश्चन तुम्हें दोबारा दिख जाएगा कि ये पीसी कब बनवाए थे। यार ये पीसी तो सही बताऊँ डायनासोर के ज़माने का है, मजाक कर रहा हूँ। ये पीसी बनाया था 4 साल पहले फेब में। तो अगला क्वेश्चन था रोहित का कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेंड कर दो, तो मैं तो डीएम करता हूँ डिटेल और मेरे आईफोन की किस्तें भरता रहे हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चमन का है, फिर से यह क्वेश्चन दिख जाएगा तुम्हें कि वीडियो कब आएगी और फेस रिवील कब करेगा। फेस तो यार इससे ज़्यादा रिवील में कर नहीं सकता, और वीडियो 5 मिनट तेरे घर भेज दूंगा मैं, देख लियो। तो अगला क्वेश्चन स्कार का है, क्वेश्चन रहा ये, इफ यूट्यूब डाइज तुम नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या होगा। तो यार फ्यूचर प्लान तो बाद में बात करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, आई विल गेट बैक टू यू। ओ भाई आंसर तो देता था। तो हाँ अगर यूट्यूब नहीं रहता तो सेकंड ऑप्शन तो ट्विच ही रहेगा ऑब्वियसली, बट वेट करेंगे ऐसा फ्यूचर में कोई और प्लेटफॉर्म आता जो क्रिएटर्स की लेनी देनी करके रखें, फिर ऑब्वियसली वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो यार अगला क्वेश्चन है नोटा का, तुम्हें ऑब्वियसली यहाँ दिख जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि प्रोफेशनली कब खेलेगा और अगर किसी सिटी में मूव करना पड़ेगा तो करेगा नहीं करेगा। यार प्रोफेशनली खेलने के लिए मैंने दिल्ली तमन्ना बहुत है सही बताऊँ तो, और मूव करने की बात रही यार, और भी ऑफर पे डिपेंड करता है, कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है कैसा और कॉन्टैक्ट रहता है, और मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या रहता है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ग्रो करने का कितनी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, एंड पैसा कितने दे रही है। अगर बोरी भर के पैसा दे रही तो मैं टर्न कभी भी मूव ऑन कर जाऊँगा। तो अगला क्वेश्चन वेद का है, क्वेश्चन तुम्हें यहाँ देखी जाएगा एज ऑलवेज। तो उसने पूछा फ्यूचर क्या है एंड कौन कौन से कंटेंट एक्सप्लोर करेगा। यार अभी कंटेंट का तो कुछ अभी आइडिया है नहीं, रही बात फ्यूचर की, यार अभी मैं ना मेन बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स है ना उन पर रीच बढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, और देन जितनी भी रीच है बाकी प्लेटफॉर्म्स उन सबको यूट्यूब पर शिफ्ट करूँगा। और कंटेंट यार अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, उसके अलावा कोई कंटेंट भी सोचा नहीं है। फ्यूचर में कोई कंटेंट अगर सोचता हूँ एक्सप्लोर करूँगा सबसे पहले तेरे को बताऊँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फर्स्ट ही आएगा था, क्वेश्चन एज ऑलवेज यहाँ आ जाएगा कि फेवरेट यूट्यूबर कौन है। फेवरेट यूट्यूबर माई सेल्फ। तो अगला क्वेश्चन रिक का है, फेस रिवील कब करेगा, वीडियो कब आएगी, फेस कैम कब करेगा। यार तुमने इतने क्वेश्चन पूछ लिया ना मेरा मन कर रहा था को वहाँ बिठाऊँ, ठीक है, और यहाँ से हट जाऊँ, समझ रहे हो समझ रहे हो। तो अगला क्वेश्चन चमन का है, एज ऑलवेज गंदा क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन आ ही जाएगा, 3 ऑनलाइन फ्रेंड्स मैटर द मोस्ट, और मेरा नाम मत लियो, चिंता मत कर तेरा नाम लेने वाला भी नहीं था मैं। और ये मैटर्स द मोस्ट के, ये साउथ दिल्ली के बिमला का आसमी एनीथिंग चल रहा है, मैटर्स द मोस्ट। कहाँ गया? हाँ भाई आ रहा हूँ। हंस गया भाई छोटा पड़ के। थक गया हूँ ब्रो क्वेश्चन के आंसर करते करते। तो अगला क्वेश्चन पैजनिक का है कि उसके बारे में क्या ख्याल है, मतलब व्यूज ऑन हिम। तो यार मैंने तेरे से गंदा प्लेयर नहीं देखा कभी, मैंने अपने गेमिंग करियर में बहुत गंदगी देखी है, पर तू कुछ अलग है। यार अगला क्वेश्चन आते गया कि पीसी बिल्ड कब एंड गिव अवे कब। तो पीसी बिल्ड तो फ्यूचर में जब होगा होगा, तू गिव अवे कर ले, ले मेरे कपड़े ले जा, ले घड़ी ले जा, घड़ी ले जा, ये रख चैनल का आईडी पासवर्ड सब तू रख ले। तो अगला क्वेश्चन श्रीधर का है कि गेमिंग कब से स्टार्ट करे और चैनल बनाने का नाम और क्या सीन था, क्वेश्चन तुम्हें दिखी जाएगा। तो यार देखो गेमिंग तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, जैसे 1 इंच का था, एंड जब स्ट्रीमिंग से तब बहुत बातें पता चला था, क्योंकि तब 2G का जमाना था, फिर उसके बाद 3G आया, 4G आया, तब स्ट्रीमिंग जैसे बला से इंट्रोड्यूस हुआ तब स्ट्रीमिंग देख के लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, फिर तब से स्ट्रीमिंग चालू करी। और चैनल का नाम, यार चैनल का नाम ना सही बताओ ना, ये मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिलकर ढूंढा था, क्योंकि चैनल का नाम हमारे दिमाग में एक ही थॉट था कि ये यूनिक होना चाहिए, क्योंकि आजकल तुम्हें पता है कोई भी नाम सोचो तुम्हें वो बंदा मिल ही जाएगा, तुम चॉकलेटी बॉय डाल दो, तुम सेक्सी बॉय डाल दो, हर जगह मिल ही जाएगा तुम्हें कोई ना कोई, इसलिए स्ट्रीमर्स का नाम काफ़ी यूनिक नेम था इसलिए वो डाला था। तो इस Q&A के लिए आई वुड लाइक टू थैंक
हिम, क्योंकि ये पार्क नहीं होता तो क्यू एन ए नहीं होता, तो क्यू एन ए नहीं होता तो तुम देख नहीं रहे होते अभी तक। तो अगला क्वेश्चन जोशी भाई गए कि आपको तो जादूगर होना चाहिए था, यूट्यूबर कहाँ से बन गए? यार पहले मैं जादूगर ही था, काला जादू करता था, फिर धंधा खराब हो गया, चला नहीं, पर आज देखो मैं यूट्यूब पे हूँ, क्योंकि देखा लोग यूट्यूब पे पैसे कमा रहे हैं, तो देख लो आज फकिंग बिलियनेयर नाउ। तो अगला क्वेश्चन मनीष का, मॉड बना दे यार, मॉड बनना है, देखो एक दिन के सीएम जैसा मॉड बना दूं। बोलो बनोगे मॉड एक दिन के लिए? अगला क्वेश्चन फिर से जोशी जी का ही है, चेहरा बदल के आई है, नौची नौची, तो आप क्वेश्चन कितने परेशान हो यार जोशी जी, मैं माइनस रेटिंग माइनस 100 रेटिंग दूंगा आपके, तो परेशान क्यों होंगे, आप तो मौज आदमी हो। तो अगला क्वेश्चन शब्द भाई का था कि फेवरेट यूट्यूबर कौन है और किसको फॉलो करते हो? यार फेवरेट यूट्यूबर तो मैं खुद ही हूँ अपना, और रही बात फॉलो करने की, यार देखो मैं लगभग बंदों को देखता हूँ और फॉलो तो मैं अपने बंदों को करता हूँ जिनको मैं जानता हूँ, और कंटेंट मैं सभी का देखता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट देखने से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि इम्प्रूव कर सके वो चीज़ें। कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट को, तीन बार कंटेंट बोल दिया यार मैंने, बस यही बात है, कंटेंट देखना ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगला क्वेश्चन था हीरो गेमर का इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्वेश्चन आपको देखा जाएगा। यार इन्वेस्टमेंट मैंने अभी ना करंटली स्टॉक्स में ही करी है, क्रिप्टो में अभी तक मैंने हाथ डाला नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से क्रिप्टो का मुझे ना अभी नॉलेज है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हिसाब से नॉलेज अच्छी हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉक्स की मुझे थोड़ी बहुत, मैं ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, हल्की बहुत है, तो मैंने उसके साथ इन्वेस्टमेंट करी है, क्रिप्टो में भी जस्ट करना बाकी है। तो अगला क्वेश्चन था ब्लैक का, नॉट टू बी रेसिस्ट, उसने पूछा था क्या क्या एडवेंचर करना चाहते हो, क्वेश्चन तो मैं देखी जाएगा एज यूजुअल। तो लाइक मैं ना देख पैराग्लाइडिंग करना चाहता हूँ, बंजी जंपिंग करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, प्लम्बर बनना चाहता हूँ और पायलट बनना चाहता हूँ। तो अगला क्वेश्चन मैं कहता गालियां इतनी क्यों देते हो यार, गालियां और मैं तो अगला क्वेश्चन अभिषेक का था, क्वेश्चन तुम्हें देखे जाएंगे, कोलैब एंड कोलैब कब कर रहा हो और उदयपुर कब जा रहा है? यार कोलैब का तो एज यूजुअल डीएन फॉर कोलैब, यार कोलैब के लिए तो अपन रेडी है एज ऑलवेज, और उदयपुर फिर कभी चल लेंगे, दोबारा चल लेंगे। तो अगला क्वेश्चन था आई गेमिंग का, मेरा क्वेश्चन कि कैसे हो यार, मैं तो मस्त जबरदस्त, तू बता कैसा? कल तू बोल रहा था कि लाइक कितने गर्लफ्रेंड्स हैं यार, एक हो तो बताऊं, बहुत सारी हैं, मैंने तो जब आऊँगा ना गुड़गांव तो एक टाइम टेबल लिख के दूंगा, उसमें देख लियो कौन सी है, मैं सब बता दूंगा उसमें, किससे बात करता हूँ, कितने जनों से बात करता हूँ, किस किस से बात करता हूँ, कब कब करता हूँ। ओके ओह सर सर, तो अगला सवाल जोशी जी का था कि इंसान को सही गाइडेंस मिल जाए तो आपके सबसे क्या कर सकता है? यार मेरा ऐसा मानना है कि देखो सही बताऊँ ना, गाइडेंस का खेल होता है हर चीज़ में, और इंसान को सही गाइडेंस मिल जाए किसी भी फील्ड में तो बहुत कुछ कर सकता है, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो इंस्टा वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब, तो पहला क्वेश्चन था राज का, वाइट इनकम, यार ऐसा एग्जैक्ट नंबर तो बता नहीं सकते, पॉलिसीज के अगेंस्ट होता है, तुम पर डे 2 लाख के आसपास समझ के चलो। तो अगला क्वेश्चन सैम का था कि वाईटी के लोगों को कैसे खाया जा सकता है? यार इसका जवाब तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब इंडिया का ऑफिशियल मेंबर हूँ, तो उनके जैसे दिक्कत आ सकती है, मेरी जॉब धंधा पानी बंद हो जाएगा, समझ सकते हो तुम। तो अगला क्वेश्चन गुरु है तो कौन है तुझे देखना है, मीटअप कब? यार ये देख ले पूरा का पूरा ऐसा देखता हूँ मैं, ठीक है, स्मार्ट एज फक, और मीटअप फ्यूचर में जरूर रखेंगे यार, जब भी रखेंगे बता दिया जाएगा तुझे। तो अगला क्वेश्चन बेटर साइड का, छोटे यूट्यूबर्स की हेल्प करने का सोचा है? अगर यूट्यूबर 5 फुट का है तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, ऑब्वियसली कर दूंगा। यार जोक्स असाइड की अगर छोटे यूट्यूबर्स की हेल्प करने का सोचा है, जाहिर सी बात है यार, ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प, कभी भी कहीं भी ऑलवेज, कैसे किसी भी टाइप की हेल्प अगर मैं कर सका तो मैं जरूर करूंगा। तो अगला क्वेश्चन सेट बॉय का है कि बैक कैम व्लॉग कब आएगा और फेस कैम वाली बकचोदी कब? यार साथ में बैक कैम वाला व्लॉग तो इसके बाद जस्ट अपनी उदयपुर वाली ट्रैवल सीरीज आ रही है, देखना मत भूलना, और क्यों एन ए तो भी आ गया, एंड इसके बाद क्या बचा है, जस्ट फेस कैम बचा है, बहुत जल्दी फेस कैम स्ट्रीम्स भी आएंगी और बहुत सारा कंटेंट आएगा। तो अगला क्वेश्चन डाइकेस्टो गेमिंग का है, जो साक्षात हमारे कैमरामैन है, कि आप चिकने हो या पिंक कलर की दाढ़ी है? यार चिकना तो नहीं, मैं खुरदरा रहा हूँ और दाढ़ी ब्लैक एज फक है, सुरक्षित काल है मेरे पास। तो अगला क्वेश्चन है ओल्ड मॉन्क का, घूमने कब चल रहे हो, कोई फिक्स डेट? यार इस जन्म में अपना घूमना तो होने से रहा और डेट वेट तो फिक्स होने रहे, बाकी अगले जन्म का डन है अपना कभी भी। अरे विक्की भाई पूछ रहे हैं शादी में क्यों नहीं आए? यार विक्की भाई वो ना सैवलन भाई से ड्राइविंग सीख रहा था, तो कौन का फोन है, फुटपाथ में निकलना है। बाला का था एज क्या है? यार एज मेरी 69 है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेन भाई का है, फेस रिवील कब? यार फेस रिवील सही बताऊँ तुम अभी क्या अभी? तो अगला क्वेश्चन लियो का, मुखड़ा कब दिखा रहे हो? तो ये लो मुखड़े के दर्शन कर लो, खुश हो जाओ।